श्रीमान आप लोग का वोट जदि पाएंगे केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे, गावे गावे बिजली का तार दौड़ाएंगे केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव में मुझे सीएम कैंडिडेट के लिए चुनाव लड़ा रही है, तो पीपल पेड पार्टी में मैं सीएम का किरदार निभा रहा हूँ। वेब सीरीज के लिए आपको कैसे ऑफर मिला? वेब सीरीज जो हमारे सब ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ये तैयार किया और एक दिन ऐसे ही बातों बातों में हमसे कहे कि एक कॉन्सेप्ट है, आप सुनिए, शायद आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे भेजिए, मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी सीख, एक अच्छा मैसेज जो है वो हमारे दर्शकों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, और हमारे प्रदेश, हमारे देश की जो जनता है उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख है इस वेब सीरीज के द्वारा। तो इसलिए मैंने तुरंत हाँ बोल दिया कि ठीक है, हम लोग इसको करते हैं। आपने इसमें गाना भी गाया है, तो जरा हमारे दर्शकों के लिए जरा गुनगुना देंगे? वेब सीरीज में तो कोई गाना नहीं है, फिर भी आपको अगर गाना सुनना है तो मैं सुना सकता हूँ गाना, तो मैं तो सिंगर हूँ, मैं गाना गाता रहता हूँ। कुचुर कुचुर आंख करे बार भइल झउआ, कुचुर कुचुर आंख करे बार भइल झउआ, बलम हो ले अवता तेल गम कौआ। पीपीपी पार्टी से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पीपीपी पार्टी जो है, पीपल पेड पार्टी, ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने टीम के जो भी मेंबर हैं, जो अपने पार्टी के जो भी सदस्य हैं, सबको पे करेगी। मतलब पहले ही दिन से आप को 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी अगर आप पीपल पेड पार्टी से जुड़ते हैं तो। और एक ऐसी पार्टी है जो एक ऐसे आदमी को सीएम बना रही है जो आम आदमी है, एक ऐसा आदमी है जो ऐसा नहीं है कि किसी राजनीति के बैकग्राउंड से है या कोई बहुत बड़ा आदमी है। ये इसलिए टैगलाइन भी रखा है कि मुझे सीएम बनाना मतलब आप अपने आप को सीएम बनाना। तो अगर आप मुझे सीएम बनाते हैं मतलब खुद को सीएम बनाते हैं, इस तरह से ये चलता है। और जनता जो है उसमें कैसे भरोसा करती है, भरोसा करने के बाद किस तरह से पार्टी जीत जाती है, और जीतने के बाद कैसे रियलाइज होता है इस आम आदमी को, एक कॉमन आदमी को, कि मैं जो है परसेप्शन मैनेजमेंट का शिकार हो चुका हूं, और उसके वजह से मुझे जो है ऐसा पेश किया गया कि मैं सीएम बन गया, पर अब ये लोग मेरी आड़ में बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं, और मुझे इस समय जनता को बताना चाहिए कि आपके साथ धोखा हुआ है। और फिर वो जनता को बताता है कि आपके साथ में धोखा हुआ है, और वो ये भी बताता है कि लोग आपको धोखा देते हैं और बड़ी आसानी से आप धोखा खा जाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप बच्चे तो है नहीं, बच्चा अपना आंख बंद कर लेता है तो उसको लगता है कि अब उसको कोई नहीं देख रहा है, पर आप तो बच्चे नहीं है, आपके रास्ते में छिलका फेंक दिया तो आप तो उसको बच के जा सकते हैं ना। आपको ये कहने की जरूरत क्या है कि यार लगता है आज फिर फिसल के गिरना पड़ेगा, तो ये मत कीजिए। आप देखिए कि आप जिसको चुनने जा रहे हैं वो कितना योग्य है, आप ये देखिए कि आप जिसको अपना प्रतिनिधि बनाने जा रहे हैं वो कितना योग्य है, वो आपके लिए करेगा कुछ या नहीं करेगा, या वो सिर्फ जो है अपने लिए करने जा रहा है, या कोई दबंग आदमी है जो जबरी कर रहा है, या कोई आपकी जाति का है लेकिन वो बेवकूफ आदमी है, वो किसी लायक नहीं है। तो ऐसे लोगों को मत चुनिए आप, आपका वोट बहुत कीमती है, आप ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो आपका भला कर सके, आपके क्षेत्र का भला कर सके, आपके देश का भला कर सके। तो अगर देश को अच्छे हाथों में देना है, देश का भविष्य अच्छे हाथों में देना है, तो हमें सही चुनना पड़ेगा।
हमें काम को महत्व देना पड़ेगा, हमें और बाकी चीजों को भूलना पड़ेगा, तो ही एक अच्छा भविष्य हमारा और हमारे देश का हो पाएगा। हाँ, मैंने पीपल पेड पार्टी ज्वाइन किया है, यही मेरी पार्टी है, इसी पार्टी से मैं आ रहा हूँ। नहीं, ये जो पीपल पेड पार्टी है, इसका कॉन्सेप्ट जैसे ही आया मेरे पास तो हम लोग तुरंत शुरू हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन तो अभी समय है आने में, पर हमारे पास जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आया मुझे अच्छा लगा कि, और एक अच्छी बात ये भी है कि अगर ये चुनाव से पहले हो रहा है तो इसका बनाने का जो उद्देश्य है वो ज्यादा पूरा होगा। हम कहीं ना कहीं इस सीरीज के द्वारा अपनी जो जनता है, अपने जो दर्शक हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई आपको जो दिखाया जाता है वो तो आप देखते हैं, पर उसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे का सच क्या है वो भी आप जान लीजिए। कि आपको अगर कुछ आपके सामने पोर्ट्रे किया जाता है कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी एकदम ऐसा क्लीन है, नीट है, ऐसा है वैसा है, तो उसकी कितनी प्लानिंग होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने, वो आपको हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये इस समय शूट किया जा रहा है। हम कोई वादा नहीं करने वाले हैं, हम सीधे सीधे आपको दे रहे हैं। आपने पार्टी ज्वाइन किया, आप लीजिए पैसे, और नॉर्मली जो पार्टियां हैं वो जो भी राजनेता हैं उनका कहना होता है, राजनीति में आते हैं तो कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए, पर हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, हम सीधा सीधा बोलते हैं कि हम लूटने के लिए आए। बस फर्क ये है कि लूटते तो वो भी हैं, पर वो लूट के अपने लिए रख लेते हैं, हम जो लूटेंगे वो बराबर बराबर बांटेंगे। जो भी लूटा हुआ धन रहेगा उस धन को अपने जनता में बिल्कुल बराबरी से बटेगा, उसमें कोई एक पैसे का ऊपर नीचे नहीं होगा। प्लैनेट भोजपुरी।